बादामी कर्नाटक में स्थित चालुक्यों की राजधानी, एक ऐसी जगह जो विख्यात है अपने मंदिरों के लिए, मानव निर्मित गुफाओं के लिए, उनमें रची शिल्पकला और प्राकृतिक सौंदर्य के लिए। हम बादामी केव्स आए हैं। मेरे जस्ट पीछे आप देख सकते हैं कि पूरा रॉक कट स्ट्रक्चर है और केव्स भी बनी हुई हैं। तो बादामी केव्स जो है वह चालुक्यास ने बनाई थी और दिस वाज बिल्ट अराउंड 5th and 6th century। एक शिलारूपी पहाड़ जिसके ऊपर है एक भव्य किला और नीचे शैव, वैष्णव और जैन गुफाएं। There are total 5 caves, which includes 1 natural cave. तो चलिए चलते हैं पहली गुफा की तरफ जो कि शिव को समर्पित है। इस गुफा की दाहिनी दीवार पर शिव का नटराज स्वरूप शिल्पित है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर शिव के पैरों तले कमल का पुष्प है, न कि कोई असुर। इससे पता पड़ता है कि 18 भुजाएं धारण करे शिव यहाँ पर लास्य कर रहे हैं, न कि तांडव। और इसी गुफा के बाएं ओर की दीवार पर हैं शिव के द्वारपाल, जो कि हाथ में त्रिशूल लिए हैं। और इसी विग्रह के ठीक नीचे आपको मिलेगा हाथी और बैल का एक संयुक्त शिल्प। जैसा कि आप देख सकते हैं, शिल्पकार ने बड़ी सुंदरता से हाथी और बैल के मुंह को एकांकित किया है। गुफा के अंदर जाते ही ठीक ऊपर की तरफ आपको नाग की यह अद्भुत कलाकृति दिखाई देगी। Look at the vivid 3D effect. प्रांगण के एक ओर जहां हरिहर की प्रतिमा है, वहीं दूसरी ओर शिव का अर्ध नारेश्वर स्वरूप है। इनके एक तरफ शिव के गण हैं और दूसरी तरफ पार्वती की सखी। मंदिर के प्रांगण में नंदी की एक खंडित प्रतिमा है और इसके ठीक सामने है गर्भगृह। गौर से देखिए इस चित्र को, क्या ऐसा नहीं लगता कि यहाँ एक जलपरी ने एक मछली को पकड़ा हुआ है? जहाँ एक ओर है इतना रचनात्मक दृश्य, वहीं दूसरी ओर है अधूरी बनावट। स्तंभों की अधूरी बनावट इस मंदिर के अधूरेपन की कहानी बताती है। आइए अब चलते हैं दूसरी गुफा की तरफ। और यह है केव नंबर 2। यह केव है विष्णु भगवान को डेडिकेटेड। इसके अंदर टू बी ऑनेस्ट कोई विग्रह नहीं है, पर द स्कल्पचर्स आर डेफिनेटली ब्यूटीफुल। लेट्स सी। गुफा के अंदर जाते हुए सीढ़ियों के दोनों तरफ आप यक्षों की आकृतियां देख सकते हैं। जैसा आप देख सकते हैं, इस केव के अंदर 2 मोनोलिथ्स हैं। जितने भी मोनोलिथ्स हैं वो सारे विष्णु भगवान के हैं। एंट्रेंस पे 2 मोनोलिथ्स हैं और अंदर एंटर करते ही 2 मोनोलिथ्स और दिखेंगे। एक है वामन भगवान का और एक है वारा भगवान का। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये वामन भगवान है जिनको त्रिविक्रम स्वरूप भी बोलते हैं। इसमें दोनों सीट नीचे ही दिखा रखे हैं कि बाली जो है वामन भगवान जब आते हैं उनको अर्घ्य देता है, फिर वामन भगवान अपना विराट स्वरूप आता है। वन थिंग दैट इज डिफरेंट फ्रॉम होयसला टेम्पल ओवर हियर इज कि होयसला टेम्पल में वामन भगवान जब अपना पैर ऊंचा करते हैं तो वहाँ पे ब्रह्मा होते हैं, डिपिक्टिंग दैट इट इज अ ब्रह्म लोक। पर यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ऊपर सूर्य, चंद्रमा और राहु बना हुआ है जो कि अंतरिक्ष लोक का प्रतीक है। दैट इज अ सटल डिफरेंस दैट यू विल नोटिस। और ये है वाराह की प्रतिमा। यहाँ शेषनाग समुद्र का प्रतीक है, जहां से वाराह ने भूमि देवी को निकाला था। Few more things that are noteworthy are, look at the ceiling of the entrance. सीलिंग के ऊपर ना आपको यंत्रों की आकृतियां दिखाई देंगी and these are very unusual यंत्र। एक यंत्र में 16 मछलियां बनी हुई है, एक में स्वस्तिक की आकृति है। So there is something which even I am seeing for the first time. But they are really beautiful.
जितनी सुंदरता इस गुफा के अंदर है उतनी ही इसके बाहर भी झलकती है। गुफा के बाहर के चौक से आप अगस्त्य लेक का मनमोहक नजारा देख सकते हैं। दूसरी और तीसरी गुफा के बीच में आपको एक नेचुरल केव देखने को मिलती है। और अब चलते हैं तीसरी गुफा की ओर। सभी गुफाओं में यह सबसे बड़ी गुफा है और भगवान विष्णु को समर्पित है। एंड इट इज सपोज टू बी द मोस्ट डेकोरेटेड वन एज वेल। इस गुफा में 6 विशालकाय विग्रह हैं और सारे ही भगवान विष्णु के अवतार हैं। गुफा की बाहरी दीवार पर जहां दाईं ओर त्रिविक्रम वामन अवतार हैं, वहीं बाईं ओर अष्टभुजा वासुदेव का विग्रह है। सीढ़ियों से चढ़ते ही सबसे पहले गुफा का बरामदा आता है। बरामदे में आपको विशालकाय विग्रह, गंधर्व दंपतियों की मूर्तियां और बहुत सारी कलाकृतियां देखने को मिलती हैं। बरामदे के बाईं ओर 2 विशालकाय विग्रह हैं। सबसे सामने वाले विग्रह में आप श्री हरि विष्णु को शेषनाग के ऊपर बैठे हुए देख सकते हैं। और ठीक उसके बगल में आपको वाराह भगवान भूमि देवी को समुद्र से निकालते दिखाई देंगे। दाईं ओर की दीवार पर भी 2 बड़े विग्रह हैं। ठीक सामने वाला विग्रह नरसिंह भगवान का है। यहां पर नरसिंह भगवान आपको ललित मुद्रा में दिखाई देंगे, एकदम स्मितमुखी, यानी कि थोड़ी मुस्कान के साथ। और गौर करने की बात यह है कि इनकी ये मुद्रा आपको अधिकतर चालुक्य मंदिरों में ही देखने को मिलेगी। और ठीक उनके बगल में आपको चतुर्भुज हरिहर की प्रतिमा दिखाई पड़ेगी। बरामदे की छत पर अगर हम देखें तो हमें इस तरह के पैनल्स देखने को मिलते हैं जिनमें ब्रह्मा, इंद्र, दिक्पाल इत्यादि शिल्पित हैं। हर एक पैनल के किनारे पर हमें पुराणों के दृश्य देखने को मिलते हैं, जैसे कि यहाँ पर समुद्र मंथन का दृश्य दिख रहा है। जिस सीढ़ी से हम गुफा के अंदर आते हैं उसके ठीक ऊपर आपको ये गरुड़ की मनमोहक प्रतिमा देखने को मिलेगी। जरा गरुड़ के पेट को देखिए, क्या यह गणपति जैसा लंबोदर नहीं दिख रहा? और स्तंभों के ऊपर आपको गंधर्व दंपतियों के अलावा कामदेव और रति की यह आकर्षक प्रतिमा भी देखने को मिलती है। और यह प्रतिमा देख रहे हैं, इसने हमारा भी ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। यह देखने में ड्रैगन जैसा है पर इसका उल्लेख कहीं भी पुराणों में नहीं मिलता। क्या आपको पता है इन गुफाओं की दीवारों पर चित्रकला भी मंडित है? और माना जाता है कि ये सारे महाभारत और रामायण के चित्र हैं जो कि समय की धूल में कहीं खो गए हैं। विष्णु को साष्टांग प्रणाम करता हुआ एक भक्त, यह मुद्रा आपको बरामदे से नवरंग में जाते हुए दिखाई पड़ेगी। नवरंग के ठीक सामने है गर्भगृह और उसकी छत पर आपको ब्रह्मा, इंद्र, कार्तिकेय इत्यादि की अनेक मूर्तियां शिल्पित मिलेंगी। ये सब देखकर लगता है कि ये गुफा सिर्फ गुफा नहीं, अभी तो चालुक्य साम्राज्य के शिल्प और आगम ज्ञान की पराकाष्ठा है। कितने अचरज की बात है, बाहर से इतनी साधारण से दिखने वाली ये गुफाएं अंदर बहुमूल्य धरोहर संभाले हुए हैं। और यहां से हम चलते हैं बादामी की आखिरी गुफा की ओर, जो जैन धर्म को समर्पित है। इस गुफा में आपको तीर्थंकरों की ये छोटी छोटी मूर्तियां और बाहुबली की ये बड़ी मूर्ति दिखाई देगी और साथ ही दिखाई देंगी पार्श्वनाथ की 2 मूर्तियां, एक शेष मुकुट के साथ और दूसरी बिना शेष मुकुट के। और गर्भगृह में है महावीर स्वामी की मूर्ति।
साथ ही इस गुफा से उत्तर किले का और अगस्त्य लेक का मनोरम दृश्य देखने को मिलता है। So these are the very famous rock cut cave temples of Badami, and the best time to visit them is either monsoons or winters. और यहाँ आपको बंदर बहुत बड़ी तादाद में देखने को मिलेंगे, एंड दे एड अ फन फैक्टर टू योर ट्रिप। लुक एट द एजिलिटी विद विच दे क्लाइम दीज रॉक्स, जस्ट सुपर्ब। आइए अब हम चलते हैं उत्तर किले की तरफ। गुफा से किले की तरफ अगर आप पैदल जाते हैं तो आपको रास्ते में दाहिनी ओर सूर्य नारायण मंदिर मिलता है। So right now I'm standing in front of सूर्य नारायण टेंपल। यह बादामी केव्स के काफी पास में है, hardly 100 मीटर्स की डिस्टेंस पे। बादामी में और भी ऐसे बहुत सारे टेंपल्स हैं जो कि चालुक्यास पीरियड के हैं, बट दे आर इन वेरी रुइंड स्टेट राइट नाउ। Some of the temple structures have been restructured by ASI, so this is one of them. किले का प्रवेश द्वार म्यूजियम को लगकर है। बादामी को पहले वातापी नाम से भी जाना जाता था और ये 5वीं से 7वीं शताब्दी तक चालुक्य राज्य की राजधानी थी। तो हम लोग अभी हैं नॉर्दर्न फोर्ट में। बादामी फोर्ट जो है वो दो भागों में बटा हुआ है, एक है सदर्न फोर्ट जो बादामी केव से जस्ट ऊपर है, और एक है नॉर्दर्न फोर्ट जो बादामी केव से जस्ट ऑपोजिट में आपको दिखाई देता है। जो सदर्न फोर्ट है वो बंद हो चुका है 1996 में, वहाँ पर एक दुर्घटना हो गई थी जिसके बाद उन लोगों ने डिसीजन लिया कि सदर्न फोर्ट जो है वो बंद रहेगा। नॉर्दर्न फोर्ट अभी भी ओपन है, आप यहाँ पर आ सकते हैं। इट टेक्स ऑलमोस्ट 1.5 to 2 hours टू कम्प्लीट द सर्किट। ऊपर दो मंदिर हैं, लोअर शिवालय अपर शिवालय, जिनमें आप जा सकते हैं। विग्रह कहीं पर भी नहीं है, मंदिर काफी रुइंड स्टेट में है, but the views from the top of the fort are amazing. You get to see Badami city, the caves, Bhutna temple and Agastya lake from there, and it looks pretty. yahan se hum abhi just aaye the, aaiye dekhte hain ye sankda sa rasta hame kahan lekar jata hai. is tarah ke yahan pe bahut hi sankte travers hain. और ऊपर पहुंचकर हमें मिलते हैं ये दो स्ट्रक्चर्स। तो इतनी मेहनत करने के बाद जब हम यहाँ ऊपर पहुंचे तो वी सी टू स्ट्रक्चर्स ओवर हियर व्हिच यू कैन सी बिहाइंड मी। स्ट्रक्चर्स जो है वो काफी रुइन स्टेट में है। वी डू नॉट नो वेदर दे आर टेंपल्स और दे वर वॉच टावर्स एट सम पॉइंट ऑफ टाइम। हमको टेंपल्स इसलिए लग रहे हैं क्योंकि इनके बाहर थोड़ी कलाकृतियां बनी हुई हैं। लाइक इफ यू कैन सी बिहाइंड मी देयर आर टू एलिफेंट्स, आप उनकी ट्रंक देख सकते हैं। So that is why we also think it could be temples. Nevertheless, the location is beautiful. अगर हम उसके पीछे जाएंगे तो यहाँ पर हमको दो temples नजर आएंगे। One is Lower Shivalay and the other one being Upper Shivalay. तो अब हम जाएंगे इन दोनों शिवालय में। चलिए थोड़ी मेहनत और करते हैं नीचे उतरने की। और अब चलते हैं शिवालयों की तरफ। किले के मुख्य द्वार पर दो द्वारपाल बने हुए हैं और इसके आगे से जो रास्ता है वो दो भागों में बट जाता है। बाएं वाला रास्ता लोअर शिवालय की तरफ जाता है और दायां अपर शिवालय और फोर्ट की तरफ। हम जा रहे हैं लोअर शिवालय की ओर। So this is a small temple. This is lower
भंवर शिवालय, यहाँ पे सपोजिटली वातापी गणपति की मूर्ति हुआ करती थी। एंड इनका आप नीचे का बेस देखेंगे, सर्कुलर बेस है। सर्कुलर बेस बेसिकली जनरली गणपति के लिए यूज होता है, गणपति की मूर्तियों के लिए। इट इज सपोज टू बी वेरी ऑस्पिशियस। अगर आप सोच रहे हैं कि शिवालय में गणपति क्यों, तो शिवालय का मतलब यहाँ पर मंदिर है, न कि शिव मंदिर। अब हम चल रहे हैं अपर शिवालय और फोर्ट की तरफ। So the rock formations are very beautiful here. अगर आप देखेंगे तो आपको rocks में colors नजर आएंगे। You know, this is black, then you can see a little bit of reddish tinge, then you can see a little bit of yellowish tinge. So that is what makes this place very, very, very attractive. And the walk through these reddish rocks is very scenic. And here comes the entrance to the fort. With every step, it feels as if you're walking within a canyon fort. यहाँ पे रॉक के अंदर छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं शिवालय के। शिवलिंग, नंदी और गणपति आपको यहाँ दिखाई देंगे। और ये सीढ़ियां जाती हैं ग्रेनरीज की तरफ। So this is a complete structure of how the granaries used to look in those times, जिसका हमने एक टूटा हुआ वर्जन पहले देखा था। This is how they would look. आइए अब चलते हैं अपर शिवालय की ओर। और अब हम हैं अपर शिवालय। तो इस मंदिर में थोड़ा सा काम आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। मंदिर के बाहर आपको बंदर और हाथी के आकार की कलाकारी दिखाई देगी। ये मंदिर विष्णु भगवान को डेडिकेटेड था। कहा जाता है कि 5वीं शताब्दी में पुलकेशी नामक राजा ने इस किले का निर्माण शुरू करवाया था। इस मंदिर का स्ट्रक्चर बहुत ही बेसिक है, यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा शिल्पकारी नहीं मिलती है। मंदिर की तरफ से अगर आप मस्जिद की तरफ जाएंगे तो आपको रास्ता दिखेगा भूतनाथ टेम्पल जाने का। इस रास्ते पर यह हनुमान मंदिर स्थित है। और आइए अब चलते हैं भूतनाथ मंदिर, जो यहाँ का बहुत ही फेमस मंदिर है। अगेन 7th सेंचुरी में बनाए गए मंदिर। इट इज अ ग्रुप ऑफ टेम्पल्स। भूतनाथ शिव का दूसरा नाम और ये मंदिर भी उन्हीं को समर्पित है। मुख्य मंदिर के पास आपको कुछ लघु मंदिर भी देखने को मिलते हैं, पर किसी भी मंदिर में विग्रह नहीं है। हर शिव मंदिर की तरह यहां भी है नंदी की ये प्रतिमा, जो कि है गर्भगृह के ठीक सामने। As you can see, यहाँ पे द्वारपाल का काम बनाया जा रहा था, but only a small portion has been completed. Remaining portion was not completed. जिससे हमें पता पड़ता है कि इस मंदिर की बनावट भी अधूरी सी है। तो ये है गर्भगृह, इसके अंदर जो है शिवलिंग है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं दो आकृतियां बनी हुई हैं, एक ये है और एक ये है। सो आप देख सकते हैं इट्स अ फीमेल डीटी व्हिच इज सिटिंग ऑन अ क्रोकोडाइल, मकर के ऊपर बैठी हुई है, एंड शी इज गंगा, एंड दिस वन इज यमुना। बड़े ही सुंदर और गोलाकार स्तंभों के बीच से देखने को मिलता है आपको बादामी गुफाओं का नजारा। कुछ स्तंभों पर आपको दिखेंगी ये शेर की आकृतियां। मंदिर के पीछे की चट्टानें भी कुछ विग्रहों से सुसज्जित हैं। तो ये जो बड़ा
सा रॉक स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, इसमें बहुत सारे कलाकृतियाँ बनी हुई हैं। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर गौरव अवतार है, गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, शिव हैं, नरसिंह हैं। तो ये सारा का सारा जो है इस दीवार रॉक पर जो है कार्व्ड आउट है, और ये रॉक बिल्कुल भूतनाथ टेम्पल के पीछे। और इसी शिला के पीछे है एक छोटा सा मंदिर जिसमें है शेष शैव विष्णु का विग्रह। भले ही बादामी अपनी गुफाओं के लिए विख्यात है, लेकिन बादामी में कवर करने के लिए बहुत सारी और जगह हैं जो कि हमने इस वीडियो में दर्शाई हैं। अगर आपको हमारा ये प्रयास पसंद आया हो देन प्लीज़ लाइक एंड शेयर आवर वीडियो। ऑल्सो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।